हेलो गाइस एंड वेलकम वंस अगेन टू माय चैनल पेट्स इन्फोमेनिया। सो गाइस, बेस्ट गार्ड डॉग की सीरीज में आज हम बात करने वाले हैं पिटबुल डॉग ब्रीड के बारे में। अगर हम पिटबुल को एज अ गार्ड डॉग रखते हैं तो उसके हमें क्या फायदे होते हैं, क्या नुकसान होते हैं, सारी बातें इस वीडियो में हम करने वाले हैं। उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सो डू सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक माई वीडियो। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। सो गाइस, पिटबुल की अगर हम बात करें तो दुनिया का सबसे बदनाम कुत्ता पिटबुल माना जाता है। हिस्ट्री के अंदर पिटबुल्स के ऊपर इतने केस किए गए हैं कि इस डॉग ब्रीड ने अपने ओनर के ऊपर अटैक किया है, जिसको लेके लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। और जब गार्डिंग के लिए डॉग्स की बात आती है तो लोग पिटबुल को इग्नोर कर देते हैं और लोग मोस्टली जर्मन शेपर्ड, डॉबरमैन या रॉटवाइलर को ले आते हैं। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि हिस्ट्री में लोग ये देखते हैं कि यार, पिटबुल ने अपने ओनर्स पर अटैक किया, ये हम पे भी कर सकता है, और अगर हम पे करेगा तो हमारी फैमिली पे भी कर सकता है, मेरे बच्चों पे भी कर सकता है। सो ये सारी बदनामी पिटबुल के ऊपर आ चुकी है और मोस्टली लोग पिटबुल को एज अ पेट रखना अवॉइड करते हैं। गाइस, एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर दूँ कि पिटबुल के ऊपर जो भी बदनामियाँ लगी थी वो सारी इंसानों ने लगाई थी और ये सारे इंसानों के ही किए गए काम थे। जो लोग पर्सनली पिटबुल को रखते हैं वो बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि पिटबुल से अच्छा गार्ड डॉग और इससे अच्छा कंपेनियन आपको नहीं मिल सकता। दे आर सुपर लॉयल एंड सुपर ऑनेस्ट। अगर हम बात करें इनकी गार्डिंग और प्रोटेक्शन की, तो पिटबुल के अंदर इतनी ज़्यादा स्किल्स होती हैं गार्डिंग को लेके कि अगर इसकी टेरिटरी में कोई बंदा घुस गया तो पिटबुल उसको इतना ज़्यादा सीरियस लेता है कि अगर उसने उस बंदे को पकड़ लिया तो एट द एंड होता क्या है कि मालिक को खुद आना पड़ता है ओनर को, और उस चोर को, उस बंदे को पिटबुल से छुड़ाना पड़ता है। पिटबुल का लॉ कितना बुरा होता है कि पिटबुल को छुड़वाना बाद में मुश्किल हो जाता है। सो गाइज़, ये चीज़ पिटबुल की बहुत ज़्यादा खतरनाक होती है कि अगर आप उसको गार्डिंग के लिए रखते हो, अगर आपके घर में कोई स्ट्रेंजर आ गया, अगर आपका कोई ऐसा बंदा आ गया जिसको पिटबुल नहीं जानता और वो आपके घर में एंटर हो रहा है बिना आपकी परमिशन के, तो 110% पिटबुल उसको अटैक कर सकता है, उसको लिटा सकता है, उसको काफ़ी बुरा हर्ट कर सकता है और आपके लिए भी प्रॉब्लम हो सकती है। सो गाइस, जिन लोगों को गार्डिंग और प्रोटेक्शन के लिए पिटबुल रखना है वो एक प्रॉपर ऐसी जगह पे रखें जहाँ पे स्ट्रेंजर्स का आना जाना ना हो, और एक ऐसी जगह हो जहाँ पे पिटबुल को भी यही लगे कि वो सिर्फ गार्डिंग के लिए है यहाँ पे। मोस्टली लोग फैमिली के अंदर भी पिटबुल को एज अ गार्ड डॉग रख लेते हैं, जिससे उनको काफ़ी नुकसान उठाना पड़ता है, और अक्सर उनके घर में जब भी कोई रिश्तेदार वगैरह आते हैं तो पिटबुल उन पर काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिवनेस दिखाता है, जिसकी वजह से अक्सर हमारे मेहमान, हमारे जानने वाले हमसे नाराज़ हो जाते हैं और लोग हमारे घर में आना अवॉइड करना शुरू कर देते हैं। हालांकि पिटबुल एक मीडियम साइज़ की डॉग ब्रीड है, लेकिन गार्डिंग को लेके ये बहुत ज़्यादा फास्ट होते हैं, क्योंकि ये एक मस्कुलर डॉग ब्रीड है तो इनको गार्डिंग करना ज़्यादा मुश्किल नहीं लगता। पिटबुल शुरू से ही मोस्टली लोगों ने रिंग्स में यूज़ किया है, इसको लड़वाने के लिए यूज़ किया गया है, पिटबुल पे बहुत ज़्यादा गैम्बलिंग भी हुई है। सो उसी के साथ साथ पिटबुल का नेचर ऐसा ही है कि ये बहुत ज़्यादा शॉर्ट टेम्पर होते हैं और बहुत जल्दी गुस्से में आ जाते हैं और किसी भी स्ट्रेंजर को अपने ओनर की प्रॉपर्टी में नहीं घुसने देते। सो गाइज, अगर पिटबुल को आप एज अ गार्ड डॉग रखना चाहते हो अपनी टेरिटरी को प्रोटेक्ट करने के लिए, देन पिटबुल इज़ द बेस्ट चॉइस फॉर यू। सो गाइज, यही थी आज की वीडियो। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो भाई लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को दबा देना ताकि हर आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे, और कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा इफ देयर इज एनीथिंग मिसिंग। लव यू ऑल।